Hello friends, welcome to my channel. In the today's video we will discuss about categories of pest. Okay, इससे पहले वीडियो में मैंने पेस्ट के जो मतलब जो इंसेक्ट क्या है, कोई इंसेक्ट पेस्ट कब कहलाएगा, मतलब पेस्ट की कैटेगरी में कब आएगा और रीजंस क्या क्या होते हैं किसी इंसेक्ट को पेस्ट कहने के, तो वो सब चीज़ें डिस्कस की हैं. तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो हो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. तो ऑन द बेस बेस्ड ऑन द ऑक्रेंस जो फॉलोइंग जो पेस्ट कैटेगरीज हैं वो आज मैं आपको बता देती हूँ. तो ऑक्रेंस मतलब उनके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्राप्ति के अकॉर्डिंग उनको डिवाइडेशन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज़ दैट रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पेस्ट नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा है. रेगुलर पेस्ट इट मीन्स दे आर फ्रिक्वेंटली फाउंड होते हैं, ठीक है. मतलब अगर हम पर्टिकुलर कोई क्रॉप लगा रहे हैं तो वो उस क्रॉप में अगर वो क्रॉप लगेगी तो वो पेस्ट आएगा ज़रूर. तो वो चीज़ें फ्रिक्वेंटली अकर हो रहे हैं और क्लोज एसोसिएशन है उसका क्रॉप के साथ, जैसे कि राइस का स्टेम बोरर एग्जाम्पल के लिए, और ब्रिंजल जिसको हम ऑल्सो नोन एज द एग प्लांट उसका फ्रूट बोरर. सेकेंड इज़ द ओकेजनल प्लांट, सॉरी ओकेजनल पेस्ट. सो ओकेजनल पेस्ट नाम से क्लियर है, इनफ्रिक्वेंटली रहेगा एंड हो सकता है कभी हम जो उस पर्टिकुलर क्रॉप को लगा रहे हैं तो वो इंसेक्ट आएगा या किसी बार वो गैप करके नेक्स्ट बार में आएगा, ठीक. तो ओकेजनली वो आ रहा है, इनफ्रिक्वेंट है और उसका कोई क्लोज एसोसिएशन नहीं है क्रॉप के साथ. एज ए एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक दैट केसवर्म ऑफ ऑन द राइस एंड मैंगो का स्टेम बोरर. तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, इन्फेक्शन सिम्टम कैसा है जब राइस में स्टेम बोरर का अटैक होता है. दिस इज़ द ब्रिंजल फ्रूट बोरर, दिस इज लुक लाइक दैट. ओके, नाउ अनदर वन इज़ द केसवर्म ऑन राइस. तो ये देखिए केसवर्म का अटैक जब होगा तो इस तरह से कुछ होगा. तो आई थिंक इमेजेस से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. नाउ थर्ड डिवाइडेशन है ऑन द सीजनल पेस्ट. ये सीज़न के अकॉर्डिंग रहेगा, इट इज़ अकर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. एवरी ईयर आएगा पर अ पर्टिकुलर सीजन में आएगा, जैसे कि रेड हेरी कैटरपिलर ऑन ग्राउंड नट एंड मैंगो का हॉपर्स. तो एक सीज़न के अकॉर्डिंग ही आएंगे. तो जो रेड हेरी कैटरपिलर हैं जो कि ग्राउंड नट पे आएंगे वो पर्टिकुलर सीज़न में आएगा, और मैंगो में जो हॉपर्स आते हैं वो भी एक पर्टिकुलर सीज़न में आते हैं, ठीक है. तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए. यहाँ पर ये देख लीजिए आप रेड हेरी कैटरपिलर जो कि ग्राउंड नट पे है. अनदर वन इज द फोर्थ है परसिस्टेंट पेस्ट. तो ये जो परसिस्टेंट पेस्ट है ये अकर ऑन द क्रॉप थ्रू आउट द ईयर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. ये पूरे साल रहता है, ठीक है, और इसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, जैसे कि चिली में थ्रिप्स एंड मिली बग ऑन अ गुआवा. तो ये हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कैटेगरी है पेस्ट का. नाउ फिफ्थ इज़ द स्पोरोडिक पेस्ट, जो कि है पेस्ट ऑकर इन आइसोलेटेड लोकेलिटी ड्यूरिंग ड्यूरिंग द सम पीरियड, जैसे कि कोकोनट स्लग कैटरपिलर. ये आइसोलेशन को लोकेलिटीज़ में होता है कुछ कुछ जो टाइम में. और यहाँ पर आप पहले ये देख लीजिए चिली में जैसे थ्रिप्स का अटैक होता है तो दिस टाइप का कर्ल लीफ कर्ल स्टार्ट हो जाता है. तो लीफ कर्ल का वैक्टर है, ठीक है, थ्रिप्स याद रखिएगा. तो कोकोनट में जो स्लग कैटरपिलर है ये एक स्पोरेडिक पेस्ट है, ये एग्जांपल याद रखिएगा. तो मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे. नाउ सेकेंड जो डिवाइडेशन है या कैटेगराइजेशन है ये जो है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन, ठीक है, कैसा इन्फेस्टेशन है उस लेवल के बेसिस पे डिवाइडेशन है हमारा. तो फर्स्ट है एपिडेमिक पेस्ट. एपिडेमिक पेस्ट मतलब क्या होता है कि सडन आउटब्रेक ऑफ अ पेस्ट इन अ सेवियर फॉर्म इन अ रीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम. इसका मैं सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाना चाहूँगी तो अगर किसी पेस्ट का कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, पर्टिकुलर जो कोई एक रीज़न है वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम में उसका बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में आउटब्रेक हो रहा है, ठीक है, जिससे क्या वो एक महामारी का रूप मतलब ले रही है, तो उसको हम एपिडेमिक पेस्ट बोलेंगे, जो कि अचानक से उसका आउटब्रेक हुआ है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिससे कि वो एक महामारी का रूप ले रही है. एपिडेमिक मीन्स ही महामारी होता है और वो किसी एक पर्टिकुलर
रीजन में ही है, मतलब एक एरिया में है और उसी टाइम कुछ सडन जो निर्धारित टाइम है उसके लिए उस टाइम तक वो पेस्ट का क्या रहता है, आउटब्रेक रहता है। तो ये है हमारा एपिडेमिक पेस्ट। एग्जांपल के लिए लाइक दैट वाइट फ्लाई आउटब्रेक इन पंजाब एंड शुगर केन वूली एफिड इन कर्नाटका। तो एग्जांपल याद रखिएगा, आपको क्लियर रहेंगी सारी चीज़ें। एक होता है इंडेमिक पेस्ट, ये ऑकर होता है ऑफ द पेस्ट मतलब ऑकरेंस ऑफ पेस्ट इन अ लो लेवल इन फ्यू पॉकेट्स रेगुलरली एंड कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया। ये पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, पर ये क्या रहता है इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब सडनली बहुत ज़्यादा आउटब्रेक नहीं होता है, लोग पॉकेट्स में छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटे छोटे एरियाज़ में रहते हैं और क्या होता है रेगुलरली फाउंड होते हैं, सडन इसका कोई ऐसा आउटब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये जो है महामारी का रूप नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे अब, राइस गॉल मीच इन्फेस्टेशन इन कोस्टल कर्नाटक जो कर्नाटक एरिया है वहाँ पर, एंड रेड हेडेड जो हेरी कैटरपिलर है ऑन अ ग्राउंड नट दट इज़ ऑल्सो नोन एज द पीनट इन अ कर्नाटक रीजन। दिस इज द एग्जांपल एज यू सी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया रेगुलर, ठीक है, इससे पहले जो मतलब डिवाइडेशन हुआ था रेगुलर पेस्ट, परसिस्टेंट पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट है, कुछ जो है इरेगुलर पेस्ट रहते हैं जो मतलब ओकेजनली ऑकर हो रहे हैं, एंड सेकेंड डिवाइडेशन है लेवल ऑफ द इन्फेस्टेशन, तो एक है एपिडेमिक, एक है इंडेमिक और एक है एपिडेमिक। तो ये चीज़ आप एकदम क्लियर रखिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं कुछ गलत बताती हूँ वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नाउ पेस्ट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द EIL, GEP एंड DB। तो वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EIL, GEP एंड DB और इसका मतलब क्या है, ठीक है, और ये कैसे हमारे पेस्ट के डिवाइडेशन या कैटेगराइजेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो फर्स्ट इज़ दैट की पेस्ट, एक होता है की पेस्ट, तो की पेस्ट क्या है, दिस इज़ द मोस्ट सेवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट। की पेस्ट मतलब नाम से क्लियर, चाबी हमारी मेन चीज़ होती है ना, लॉक खोलने के लिए हमको चाबी की नीड पड़ती है, तो ये एक की पेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है और डैमेजिंग होता है। इसके अलावा GEP लाइज एबो EIL ऑलवेज, ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर कि जो GEP रहता है ये लाइज रहता है अबो द EIL ऑलवेज इस कंडीशन में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। एंड स्प्रे टेम्प्ररी ब्रिंग पॉपुलेशन बिलो द EIL एंड दिस आर द परसिस्टेंट पेस्ट, मतलब हमको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, इससे पहले मैंने आपको बताया था द इन्वायरमेंट मस्ट बी चेंज टू ब्रिंग GEP बिलो द EIL। इन्वायरमेंट को हमको इस रेंज में चेंज करना पड़ेगा कि जो GEP है वो बिलो हो जाए EIL के। एग्जाम्पल के लिए डायमंड बैक मॉथ, जो कि जो भी क्रूसीफेरी फैमिली के जो क्रॉप रहते हैं जैसे कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये सब में अटैक करता है, ठीक है। और अब मेरे को ये चीज़ है कि आप लोग बताएंगे कि EIL, GEP एंड DB का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी या आगे अपने वीडियोज़ में बता दूंगी अभी, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि EIL, GEP एंड DB का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, नाउ सेकेंड इज़ द मेजर पेस्ट। तो मेजर पेस्ट की कंडीशन में जो GEP रहता है दिस इज़ लाई वेरी क्लोज टू EIL और ये क्या रहता है कॉन्साइड्स रहते हैं विद द EIL। एंड इकोनॉमिक डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली एंड रिपीटेड स्प्रे कर करके, और इसका एग्जांपल है कॉटन जैसिड, इसके अलावा राइस का स्टेम बोरर, कॉटन का जैसिड है और राइस का स्टेम बोरर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग वो मतलब कॉन्साइड्स हैं या फिर क्या मतलब वेरी क्लोज है जो GEP है EIL के, बट इससे पहले कंडीशन में क्या रहता है GEP लाई एबो द EIL ऑलवेज। थर्ड इज़ द माइनर पेस्ट या फिर ओकेजनल पेस्ट रहता है, अभी हमने देख लिया की पेस्ट, अनदर वन इज़ द मेजर पेस्ट एंड थर्ड इज़ द माइनर पेस्ट। ये जो रहता है इसमें GEP इट इज़ बिलो द EIL यूजुअली, ठीक है, जस्ट अपोजिट रहेगा हमारे की पेस्ट के, एंड रेयरली दे क्रॉस द EIL एंड कैन बी कंट्रोल, इसको कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कॉटन स्टेनर्स एंड राइस हिस्पा एज वी विल जो रहते हैं दे आर द, एंड स्पोरोडिक पेस्ट दे आर द GEP जनरली बिलो द EIL, सेम कंडीशन है इसमें,
और समटाइम्स इट क्रॉसेस, यहाँ पर एक चीज़ है कि ये माइनर पेस्ट में रेयरली क्रॉस करते हैं, बट यहाँ पे समटाइम इट क्रॉस द EIL एंड कॉज सेवर लॉस इन सम प्लेसेस और सम पीरियड में। एंड एग्जांपल के लिए शुगर केन पायरिल्ला एंड वाइट ग्रब जो रहता है एंड हेरी कैटरपिलर, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो इसका फिफ्थ कैटेगराइजेशन है पोटेंशियल पेस्ट, दे आर नॉट पेस्ट एट प्रेजेंट, ठीक है, अभी की कंडीशन में ये पेस्ट नहीं है। GEP ऑलवेज लेस देन EIL, हमेशा हमेशा ये कम रहेगा, ठीक है, लेस देन रहेगा EIL से। इसके अलावा इफ़ द इन्वायरमेंटल मतलब चेंज्ड में कॉज इकोनॉमिक लॉस, अगर इन्वायरमेंटल चेंज होगा तभी इकोनॉमिक लॉस कॉज होगा, एंड पेस्ट के कारण इकोनॉमिक लॉस नहीं कॉज होगा। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इज अ पोटेंशियल पेस्ट ऑन अल्फा अल्फा, मैंने आपको क्रॉप का नाम भी बता दिया कि अल्फा अल्फा का जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है ये एक पोटेंशियल पेस्ट होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट एंड पोटेंशियल पेस्ट, और पोटेंशियल पेस्ट। और इसमें क्या होता है कि GEP एंड EIL का जो रिलेशनशिप है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये जब आप BHU का एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नाउ वी सी द, तो फुल फॉर्म आप हमें मतलब मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में जो GEP एंड EIL का, ठीक है। देन मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, तो फर्स्ट है नेचुरल कंट्रोल, सेकेंड इज़ द अप्लाइड कंट्रोल। तो फर्स्ट नेचुरल कंट्रोल जो होता है उसमें हमारा क्या है, दो हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो हैं, फर्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर और सेकेंड है नेचुरल बैरियर्स। तो जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो कैसे है? मतलब नेचुरल पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, फोटो पीरियड है, दे आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट एज वेल एज द देयर होस्ट प्लांट ऑल्सो। द सीजनल डेवलपमेंट ऑफ देयर होस्ट प्लांट इज अ क्लोजली रिलेटेड एंड सीजनल डेवलपमेंट ऑफ जो फाइटोफेगस इंसेक्ट्स हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, फोटो पीरियड है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट को और साथ ही साथ उस पेस्ट के होस्ट को जिसपे वो पेस्ट सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और सेकेंड हमारा है नेचुरल बैरियर्स, तो ये कैसे हैं, द नेचुरल जो टोपोग्राफिक बैरियर जैसे कि माउंटेन रेंज है, लार्ज वाटर जो बॉडीज हैं एंड डेजर्ट जो है, ये प्रिवेंट करता है पेस्ट का माइग्रेशन को, ठीक, इस एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पेस्ट का। ये जो बैरियर्स हैं जो कि एक नेचुरल बैरियर्स हैं जैसे कि पहाड़ हैं, नदी हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो ये कंट्रोल कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम द चेकिंग इंसेक्ट पेस्ट माइग्रेशन, दे अफेक्ट द क्लाइमेट इटसेल्फ एंड द एबिलिटी ऑफ पेस्ट टू लाइव इन चेंज वेदर कंडीशन, ठीक है। नाउ थर्ड इसका है नेचुरल, कैसे नेचुरल एनिमी कैसे हेल्प कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। तो देयर इज़ अ नॉट अ सिंगल ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अप टू द मैमल्स विच डू नॉट फीड ऑन इंसेक्ट्स, द कीप द इंसेक्ट पॉपुलेशन अंडर चेक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट अलॉन्ग द इंसेक्ट देमसेल्फ आर अ लार्ज नंबर ऑफ एंटोमोफोगस स्पीसीज दैट वर कैप्चर और डेवर अदर इंसेक्ट स्पीसीज जैसे कि प्रेडेटर्स, उसको हम प्रेडेटर बोलेंगे, और मे द एग और ऑन द बॉडी ऑफ अदर इंसेक्ट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, तो उसमें आप देखिएगा मैंने पैरासिटॉइड्स, प्रेडेटर इसके बारे में डिस्कस किया है। ये ऐसे इंसेक्ट होते हैं, ये खुद भी उसी कैटेगरी में आते हैं इंसेक्ट की, पर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये जो हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उसको डैमेज कर रहे हैं, या तो प्रेडेटर के रूप में या तो पैरासिटॉइड्स के रूप में। और ये पैरासिटॉइड्स एग पैरासिटॉइड्स भी हो सकते हैं, लार्वा पैरासिटॉइड्स भी हो सकते हैं, एग लार्वा भी हो सकते हैं, या लार्वा ओनली लार्वा हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। नाउ उसका फोर्थ है डिसीज़, तो डिसीज़ जैसे कि जो एंटोमोफेगस जो पैथोजन है जो कि पैरासिटॉइड है, प्रेडेटर्स हैं, विच प्रोड्यूस फैटल डिसीज़ इन इंसेक्ट एंड कीप अ चेक ऑन द इंसेक्ट पॉपुलेशन। नाउ ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, या फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पेस्ट मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जो हमारा ये नहीं है कि हम पूरे इंसेक्ट को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये एक फूड चेन आप जानते हैं जैसा कि पढ़े होंगे आपने अपने कभी स्कूल टाइम में। तो हम फूड चेन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम पर्टिकुलर किसी इंसेक्ट के पॉपुलेशन को पूरी तरह से उसके अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको इस रेंज पे लाना चाहते हैं कि क्या हो, इकोनॉमिक इंजरी जो लेवल है
EIL, देखिए मैं अभी तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रही थी, पर मैं आपको बोली थी कि आगे वीडियो में मैं बता दूंगी। तो EIL का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है। तो अब आप मुझे GEP का मतलब बताइएगा। तो रिड्यूस द पेस्ट स्टार्ट सॉरी स्टेटस बिलो द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। एंड इसके अलावा सेकेंड है, अब यहाँ पर मैंने सबको यहाँ पर देखिए, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पेस्ट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा, कंप्लीट मतलब जो ख़त्म करना, अगर आप कभी ऐसे अपने आंसर में लिखोगे तो पूरा गलत है, हम ख़त्म करना हमारा ऑब्जेक्टिव है नहीं, हम उसको इस रेंज या इस स्टेटस में लाएंगे पेस्ट को कि हमको इकोनॉमिक इंजरी जो हो वो ना हो। एंड सेकेंड है, टू मैनेज द इंसेक्ट बाई नॉट ओनली किलिंग दैम बट प्रिवेंटिंग फीडिंग, जैसे कि उसका मतलब कि हम सिंपल वर्ड में आपको बताती हूँ कि हमको उसको किल नहीं करना है, हमको प्रिवेंट करना है कि वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज मत कर पाए, हमारे क्रॉप को एज अ फीडिंग यूज़ मत कर पाए और उसका डिस्पर्जल ना हो पाए। थर्ड इज़ दैट टू यूज़ द इको फ्रेंडली मेथड, जो हमारे जैसे कि केमिकल हम यूज़ करेंगे ना इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंटल को भी अफेक्ट कर रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि वी यूज़ द इको फ्रेंडली मेथड लाइक विच विल मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, जैसे कि एयर, वाटर, वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट लाइफ ऑल्सो, ठीक। फोर्थ इज़ दैट टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल मॉर्टेलिटी फैक्टर्स, अप्लाई कंट्रोल मेजर्स ओनली वैन नीडेड। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम यूज़ करेंगे जो नेचुरल मॉर्टेलिटी फैक्टर्स हैं, जैसे कि इससे मैंने पहले मैंने बताया क्लाइमेट है, नेचुरल एनिमीज हैं, इसके अलावा सम ट्रोफोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें यूज़ करेंगे हम। मतलब कंट्रोल मेजर्स या केमिकल मेजर्स तभी यूज़ करेंगे जब हमको उसकी बहुत ज़्यादा, जब एकदम ऐसे लगेगा कि अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट स्टेज जब आएगी तब हम केमिकल कंट्रोल पे जाएंगे, ठीक है। देन फिफ्थ है, टू यूज़ कंपोनेंट इन सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, हम जो ये कंपोनेंट्स हैं उसको सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर हमको एक पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को सक्सेस करना है। अभी हमने ऑब्जेक्टिव देखा, अब उस ऑब्जेक्टिव को हम सक्सेस करेंगे तभी हमारा पेस्ट मैनेजमेंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। पहला हमारा है कि करेक्ट हमको आइडेंटिफिकेशन करना है इंसेक्ट और पेस्ट का, यानी कि हम बेनिफिशियल इंसेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए यूज़फुल था बट हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमको आइडेंटिफिकेशन सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ दैट अंडरस्टैंडिंग द लाइफ हिस्ट्री एंड बिहेवियर ऑफ द पेस्ट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज़ दैट नेचुरल एनिमी एंड वेदर फैक्टर अफेक्टिंग पेस्ट पॉपुलेशन एंड पेस्ट सर्वाइवलेंस विल प्रोवाइड एबो डाटा एंड पेस्ट फॉरकास्टिंग एंड प्रिडिक्टिंग पेस्ट आउटब्रेक ऑल्सो। एंड सिक्स इज़ दैट फाइंडिंग आउट द ETL फॉर ईच पेस्ट इन अ क्रॉप, हमको ETL पता करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंजरी लेवल क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इंजरी नहीं क्रिएट कर रहा है तो हम उसको हम मतलब केमिकल मेथड या उस पेस्ट को प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पर ये एक एग, जैसे कि एक जो इंसेक्ट बोल सकती हूँ मैं, इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल है। तो जैसे देखिए यहाँ पर एग है, एग हैचिंग होने के बाद फर्स्ट स्टेज आएगी जिसको निम्फ बोलते हैं। निम्फ जो रहेगा पहला अपना मॉल्टिंग करेगा, मॉल्टिंग के बाद सेकेंड निम्फ स्टेज आएगी, देन मतलब सेकेंड मॉल्टिंग स्टेज, थर्ड मॉल्टिंग स्टेज एंड अनदर वन फोर्थ एंड फिफ्थ मॉल्ट के बाद वो होगा अडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो हमको यही चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करना है सक्सेसफुल पेस्ट मैनेजमेंट जब हमको करना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मास्क चेफर लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पर हमारा जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब मंथ वाइज उसकी लाइफ साइकिल को यहाँ पर देखा है, ठीक। अडल्ट स्टेज में मतलब वो एक एग से लेकर एडल्ट लार्वा, प्यूपा, मतलब पूरी स्टेज को देखने के बाद हम क्या करेंगे, मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो इस सब का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड सेवेंथ इज़ दैट नीड एंड टाइमिंग ऑफ कंट्रोल मेजर्स, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। एंड एट्थ इज़ दैट सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल मेथड ऑफ कंट्रोल, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको सही मेथड
का यूज़ करना है। जब हम देख रहे हैं कि हम उसको कल्चरल मेथड से कंट्रोल कर पा रहे हैं, मीन्स कम क्वांटिटी में इंसेक्ट्स हैं, तो वी कैन यूज़ कल्चरल मेथड, हमको केमिकल तक जाने की नीड नहीं है। देन फिर नाइन्थ इज़ दैट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एंड बेनिफिट रिस्क ऑफ ईच कंट्रोल मेजर, एंड टेंथ फार्मर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। एंड 11 गवर्नमेंट सपोर्ट, ओके, एंड 12th इज द कंज्यूमर अवेयरनेस ऑन अ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट्स। सो दिस इज द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इट मीन्स पेस्टिसाइड सेफ, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज फ्री। एंड देखिए यहाँ पर फाइव कलर कोडेड वेजिटेबल हैं। तो ग्रीन कलर है, इट मीन्स ऑर्गेनिक। ब्लू कलर, इट मीन्स पेस्टिसाइड सेफ। येलो है, इट मीन्स पेस्टिसाइड रेसिड्यूज फ्री। वाइट इज मीन हाइड्रोपोनिक्स, एंड जो रेड कलर है इट इज़ डिनोटेड जनरल। मेक अ सेफ चॉइस विथ रिम्पिंग, ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या खाना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी कि फाइव कलर कोडेड जो वेजिटेबल्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपके एग्ज़ाम में कभी आ सकते हैं कि कौन सा कलर किसको डिनोट कर रहा है। सो आज के वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे या फिर किसी नए टॉपिक के साथ रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में भी मुझे गलतियाँ हैं मेरी जो वो बता दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।